फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। और मैं आज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में, ट्रेलर के बारे में मैं आप सबसे कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप सबको तो पता ही होगा, ये 2010 में आया था, स्टूडेंट ऑफ द 1 का फ्रेंचाइजी है। तो इसका उस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, वरुण धवन को देखने को मिला था। वो न्यू कमर्स थे, मतलब उसी वक्त उन्हें लॉन्च किया था। पर अभी इस मूवी में हमें टाइगर श्रॉफ को हीरो के, मेन हीरो में देखने को मिलेगा। तो ये मूवी है पूरी तरह धर्मा प्रोडक्शन की, मतलब करण जौहर की। और ये मूवी ने पहली 1 वीक में 46 मिलियन व्यूज किया है, मतलब भारत को भी टक्कर दे रही है ये मूवी। और इसमें पुनीत मल्होत्रा और तारा और अनाया को न्यूली लॉन्च किया जा रहा है, और इसका रिलीज डेट है 10th of May। ये पिक्चर भी पूरी तरह, इस पिक्चर में भी आपको फ्रेंडशिप, स्पोर्ट्समैनशिप और लव कंपेंसेशन देखने को मिलेगा। और मतलब गाने वाने तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 के भी बहुत अच्छे थे। अब तक तो वो राधा तेरा झुमका या राधा तेरी चुनरी नाम का अभी तक बहुत ही फेमस है, और इसके भी गाने वाने अच्छे तो लग ही रहे हैं। इसका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है, और ये फॉक्स स्टूडियो का, ये फॉक्स स्टूडियो वाले प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका प्रोड्यूसर तो करण जौहर है मेन। और मुझे लग रहा है इस मूवी का जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो सेम वही है, बड़ा सा कॉलेज दिखा रहे हैं। और एक न्यू बैच आ रहा है, और उसमें भी उस मूवी में जैसे एक गेम चैंपियनशिप हुआ था, पहले डांस और फिर गेम्स, ऐसे होके जैसे वो ट्रॉफी तक पहुंचते हैं, मुझे तकरीबन सेम स्टोरी लग रहा है। पर उसी स्टोरी को एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। और इसका म्यूजिक वगैरह तो बहुत अच्छा है, विशाल शेखर जी ने दिया है, तो उस पर कोई उंगली तो उठा ही नहीं सकता। बस टीनेजर्स और यंगस्टर्स के लिए मूवी बहुत अच्छा है, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अगर 40+ सीनियर सिटीजन है, मतलब 40+ अगर ऐसे लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा शायद समझ ना आए मूवी। ये मेरे अंदाज से कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे, मतलब 16 से 20-30 के बीच होते हैं ना, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मिडिल एज के जो लोग होते हैं ना, उन्हें ज्यादा अच्छा लगे शायद, मुझे फील होता है वो ट्रेलर देखे। गाने वाने भी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं मूवी लोगों को कितना अपनी तरफ खींच पाता है। और इसमें भी दो हीरोइंस हैं, उसमें एक हीरोइन, दो हीरो थे, इसमें एक मेन हीरो और दो हीरोइंस हैं। मुझे लगता है लव ट्रायंगल थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें आलिया को लेकर था, और इसमें जैकी श्रॉफ को लेकर है, मेरा मानना है। तो देखते हैं, ये तो 10th of May को मूवी रिलीज होने वाली है, और उसके बाद ही पता चलेगा मूवी कैसी है। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय। आप लोग भूल जाते हैं।